Now we are going to continue our previous lecture in which we have presented the transformation rules for a tensor of rank 2. Now we are going to continue the transformation rule for a tensor of rank 3. So if n cube quantities, here we have n cube quantities. So n cube quantities should be like that, a, p, Q, R, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखने के लिए कि ये n क्यूब बन रही है कि नहीं बन रही, हम देखते हैं इसके अंदर किस तरह के कंपोनेंट्स छुपे हुए हैं। यहाँ पे P, Q, R जो है उनका मतलब वही है, P, Q, R जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n को। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को देखने लगे हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स वाकई में n क्यूब है कि नहीं है। तो P, Q, 1 एक कंपोनेंट इसके अंदर, पी क्यू टू, पी क्यू थ्री और चलता जाएगा पी क्यू एन। ये जो मैं कंपोनेंट लिखना आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि किस तरह में पता लगेगा इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आगे जाकर कुछ क्रिस्टोफर सिंबल टाइप बातें हैं कि या टेंसर्स के कंपोनेंट और वो लोग जो आगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री या जनरल रिलेटिविटी कॉस्मोलॉजी वगैरह देख रहे हैं तो कुछ टेंसर्स ऐसे आते हैं जिनके हमें कंपोनेंट्स वगैरह या फील्ड इक्वेशंस टाइप बन रही होती हैं तो हमने उनके कंपोनेंट्स देखने होते हैं जिनकी आगे हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन कुछ करते होते हैं। तो कंपोनेंट्स हम किस तरह करते हैं, वेरिएशन देते हैं पी क्यू आर की 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन तक। तो सबसे पहले हमने R को वेरिएशन दे दी N तक। अब इसके अंदर क्या क्या है, A P 1, 1, A P 2, 1, अब A P 3, 1, इस तरह के इसके अंदर किस तरह की हैं A P N 1 तक, ठीक है। इसके अंदर क्या है A P 1, 2, A P 1, 3, A P 2, 3, सॉरी 1, 2, ये क्या आ जाएगा 2, 2, ये क्या आ जाएगा 3, 2, ठीक है। इस तरह चलता रहा A P N 2 और अब टू सो ऑन N तक हमारे पास क्या आ जाएगा A P 1 N, A P 2 N, अब टू सो ऑन A P N N, ठीक है। फिर इसी तरह इसके अंदर आपके पास क्या है A 1, 1, 1, A 2, 1, 1, A 3, 1, 1, A 4, 1, 1, चलता रहेगा A N 1, 1, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास A 1, 2, 1, A 2, 2, 1, A 3, 2, 1, चलता रहा A N 2, 1। इसी तरह यहां से क्या आ जाएगा A 1, N 1, A 2, N 1, A 3, N 1 और चलता रहेगा A N N 1। तो आपके पास एक जो कंपोनेंट था जो हमने इसकी आर की वेरिएशन थी उसके अंदर से कितने लिखे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इसके अंदर से हर एक के अंदर से कितने निकले n, फिर दूसरे में से लिखते n, तो ये कितने कंपोनेंट हो गए n कंपोनेंट हो गए, ठीक है। n कितनी दफा n हो गए, इसमें से भी एक n आया, इसमें से भी एक n आया, इसमें से भी एक n कंपोनेंट्स आ गए। फिर इसी तरह सेकंड वाले में से भी n आते जाएंगे, थर्ड वाले में से भी आते जाएंगे, फोर्थ वाले से भी आते जाएंगे, तो ये आपके पास टोटल कंपोनेंट्स कितने बन जाएंगे n क्यूब कंपोनेंट्स। और n क्यूब किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक n बाय n का मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उसको एक और डायमेंशन में आप n तक एक्सटेंड कर लें तो आपके पास वो टोटल कंपोनेंट्स कितने बन जाएंगे n क्यूब कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हम टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखने लगे हैं किसके लिए, रैंक 3 वाले के लिए, ठीक है। तो इफ n क्यूब क्वांटिटीज a p q r टाइप, हम क्या देते हैं p q r जो कि डिफाइंड है किसके अंदर, इन कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ये रिलेटेड हैं आर रिलेटेड with n cube other quantities वो किस तरह की हम ले लेते हैं a i j k, ये क्या होंगे आपके पास बार वाले coordinates और ये किसके अंदर defined है x bar 1 x bar 2 up to so on x bar n वाले coordinates के अंदर। तो अगर ये quantities a p q r और a bar i j k इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉलो करें, ए पी क्यू आर हमने राइट साइड पे लिख लिया,
ए बार आई जे के हमने लेफ्ट साइड पर लिख लिया और वो ट्रांसफॉर्मेशन रूट के लिए हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स की तीन टर्म्स आ जाएं, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स की, ठीक है। और यहाँ पे बार ऊपर है तो तीनों में बार ऊपर था, हमने ऊपर लगा दिया और यहां पर क्या आ गया आई जे के, नीचे आ गया पी क्यू आर। अगर तो वो इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहे हो, यहां पर हमने समेशन कन्वेंशन भी यूज की हुई है, जो डमी इंडेक्स है पी क्यू आर, यहां पर भी क्या है पी क्यू आर। अगर तो वो इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे टेंसर, कंट्रावेरियंट टेंसर, कंट्रावेरियंट टेंसर ऑफ रैंक थ्री, ठीक है। इसी तरह हम कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3 के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिख सकते हैं कि अगर p q r आपके पास सबस्क्रिप्ट के अंदर हो क्वांटिटीज जो के डिफाइंड हैं और उनको हम रिलेट करने लगे हैं, मैं इधर लिख लेता हूं a p q r और उसको हम रिलेट करने लगे हैं a बार i j k जो कि n क्यूब क्वांटिटीज हैं डिफाइंड इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू सो ऑन x बार n by the transformation rule, partial xp over partial x bar i, partial xq over partial x bar j, partial xr over partial x bar k, तो फिर ये क्या tensor होगा? Covariant tensor of rank 3, of rank 3, ठीक है? तो ये वाली डेफिनेशन हाई और इस तरह हम इसको हायर रैंक्स के लिए भी लिख सकते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल एक लिखना सीखना चाहेंगे कि अगर आपके पास टेंसर मिक्स रैंक का आ जाए, ठीक है, अगर आपके पास से n क्यूब क्वांटिटीज हैं लेकिन वो मिक्स हैं, ठीक है, मिक्स किस तरह है कि आपके पास n क्यूब क्वांटिटीज हैं इस तरह की ए पी क्यू आर, नीचे आ गया ए पी क्यू आर, n क्यूब क्वांटिटीज defined in a coordinate system x1, x2, x3 up to so on xn are related with n other n cube quantities defined in another coordinate system x bar i j k, तो फिर वो tensor होगा mixed rank का, partial x by partial x हम तीन लिख लेते हैं यहाँ पे और अब हमने देखना है कि इसके ऊपर bar कितनी जगह पे आएगा और विदाउट बार वाली कहां पे, ये बार आपके पास दो इंडिसेस के साथ ऊपर आ रहा है, हमने दो इंडिसेस ऊपर लगा दिए, एक आई के साथ आ रहा है और एक जे के साथ आ रहा है, एक इंडेक्स के साथ नीचे आ रहा है, हमने जो तीसरा बचा था उसके साथ इंडेक्स नीचे लगा दिया। अब जो बाकी बचेंगे पी पी क्यू और यहां पर क्या आ गया आर, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल हुआ है इसको हम क्या कहेंगे मिक्स टेंसर ऑफ रैंक थ्री विथ रैंक टू। अब यहां पे कंट्रावेरिएंट में बार कितनी दफा आ रहा है, दो दफा, तो इसका रैंक टू क्या होगा एज कंट्रावेरिएंट एंड रैंक वन क्या होगा एज कोवेरिएंट टेंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखना आना चाहिए, आप इस तरह किसी भी टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिख सकते हैं। क्वेश्चन है एक जो किताब के अंदर किया हुआ है, राइट द लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द टेंसर्स, हम उसको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है राइट और ये इस तरह के आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि इसका आप टेंसर्स का ट्रांसफॉर्मेशन रूल लेके दिखाएं, बीपीएससी एफसीपीएस और इस तरह के एफपीएससी के टेस्ट जो होते हैं सारे में पूछे जा सकते हैं। राइट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द टेंसर्स, नंबर ए है आपके पास ए आई जे के, ए आई जे के, बी है हमारे पास बी एम एन आई जे के, सी है हमारे पास सी एम। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है राइट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द टेंसर्स, इसका मतलब ए आई जे के ये एक टेंसर है, ठीक है, इसका मतलब ये जो टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन रूल है ये उसको फॉलो करेगा।
बी एम एन आई जे के हमें कह दिया कि ये टेंसर है, ये टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा, सी एम बी टेंसर का है उन्होंने तो टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। तो हम सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये सी एम इन्होंने बताया है तो ये किन कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिफाइंड है, विदाउट बार x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn के अंदर। और हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि वी आर मूविंग फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो कंपोनेंट्स इसके ये कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं c1, c2, c3 ये किसी टेंसर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x1, x2, x3 के अंदर है अप टू सो ऑन है, और हमने इसके कंपोनेंट्स दूसरे में निकाले हैं, इसका मतलब हम ट्रांसफॉर्म करके दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाएंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम सबसे पहले सी पार्ट को ही सॉल्व करते हैं तो सी पार्ट के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, सी पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं, यहां हम लिखेंगे सी एम, यहां हम लिख देंगे कोई भी नियन डैश लगा देंगे, से सी बार आई एम ने लगा दिया, ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल एक्स बार आई, क्योंकि बार वाली टर्म ऊपर है हमने आई ऊपर लगा दिया और नीचे क्या आ गया, पार्शियल एक्स एम, ये क्या बन गया, This is the transformation rule for CM, जो के tensor था, ठीक है? अब obviously यहाँ पर हमने summation convention use की या sum का sign नहीं लगाया, जो index repeat हो रहा था, MM हमें पता है उसके ऊपर summation है, summation M is equal to 1 to N, और I का मतलब है ये ith component या ith equation को represent कर रहा है, जिस तरह मैंने transformation जो coordinates की थी उनके लिए लिखा था। B part के लिए देख लेते हैं solution हमारे पास क्या बन रहा है, कि B M N IJK हमें कहा गया है, BMN IJK हमने राइट साइड पे लिख लिया इस तरह BMN IJK, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल बना रहा है, इसका मतलब ये जिन कोऑर्डिनेट्स में है वो है x1 x2 x3 up to so on xn, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, से हमने अब इसके ऊपर इंडिसेस लगाने हैं, रैंक उसी तरह का टाइप उसी तरह की हमने लिखनी है, हम लिख लेते हैं यहां पर जो एम एन आई जे के लिखे हुए हैं उसके अलावा कोई इंडेक्स जो आपके ज़हन में आता है वो लिख लें, मेरे ज़हन में ए बी सी डी ई एफ आ रहा है, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो ए बी सी डी ई हमने यहां पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये पांच इंडेसेस हैं, हम पार्शियल एक्स पर पार्शियल एक्स पांच दफा लिख लेंगे, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, 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 ठीक है, यहां पर आपके पास इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम इधर से निकल के बार वाले में जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, बार ऊपर लगा है दो दफा, तो हमने लिख दिया दो दफा दो टर्म्स के ऊपर बार, तीन दफा वाली पे लगा हुआ है नीचे, एक दो तीन, किन किन के साथ बार ऊपर लगा हुआ है, ए और बी के साथ, ठीक है, नीचे किन किन के साथ लगा हुआ है, सी डी ई हमने नीचे लगा दिए, ठीक है। अब ये बाकी हम साथ लगा लेते हैं, ये क्या आ गया एम एन, यहां क्या आ गया आई जे के। अब आपने ये बात का भी ध्यान रखना है, ए और बी चूंकि ऊपर वाले इंडेसेस थे तो उनके साथ हमने जो ऊपर इंडेसेस हैं एम और एन वो इंडेसेस लगाने हैं, ऐसा नहीं कर देना कि यहां पर ए और बी लगा दिए तो यहां पर हमने आई जे लगा दिए, क्योंकि इसने कंट्रैक्ट होना है आपस में, वो कंट्रैक्शन की तरफ अभी हम जाते हैं, बस आपने इस बात का फिलहाल ध्यान में रखना है कि ए और बी ऊपर है तो ए और बी के साथ जो ऊपर इंडेसेस हैं वो हमने नीचे लगाने हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा गया इसका बी पार्ट का, हम ए पार्ट का भी लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल, हमें क्या है ए आई जे के, ए आई जे के ये एक टेंसर हमें गिवन है डिफाइंड x1 x2 x3 up to so on xn के अंदर, हम मूव करके जो बार वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जाएंगे, ज़हन में a b c d आया, a b c हमने लिख लिया, क्या बनेगा तीन दफा आ जाएगा पार्शियल x बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल x, एक दफा बार के साथ ऊपर है a लगा दिया, दो दफा नीचे है B और C, अब A ऊपर था यहां पे I ऊपर था हमने I इधर लगा दिया, यहां पे क्या आ गया J और यहां पर क्या आ गया K, so these are the transformation laws for tensors of high rank and mixed tensors, ये आपके पास जो tensors था अब ये चूंकि उसको follow कर रहा था मैं तो वैसे ही यहां पर given था तो हमने कहा है कि ये tensor है तो हमने transformation rule लिख दिया, अब कोई quantity जो इस चीज को satisfy कर रही होगी वो आपकी क्या कहलाएगी tensor, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एक डेफिनेशन की तरफ क्रोनेकर डेल्टा, ठीक है, वो डेफिनेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये फिलहाल हमने हाई रैंक के देखनी है,
कोरोनेकर डेल्टा भी एक टेंसर है और उसकी डेफिनेशन है, उसको हम कोरोनेकर डेल्टा को किस तरह डिनोट करेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं, कोरोनेकर डेल्टा, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि हम किस कुछ जगहों के ऊपर इसको यूज किया करेंगे। कोरोनेकर डेल्टा को हम किस तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, इस तरह कर्ली डेल्टा स्मॉल वाला, अगर आप लेटेक्स वगैरह यूज करते हैं तो स्लैश स्मॉल डी के साथ आप लिखेंगे तो आपके पास ये राइट हो जाएगा। डेल्टा ए और बी, इसका जवाब क्या होगा, या तो वन होगा या इसका जवाब क्या होगा, जीरो। अगर ए और बी बराबर हैं तो आपके पास इसका जवाब क्या होगा, वन, और अगर ए और बी बराबर नहीं है तो फिर इसका जवाब क्या होगा, जीरो। तो ये डेफिनेशन है कोरोनेकर डेल्टा की, जो कि एक टेंसर है, ठीक है, और सेकंड रैंक टेंसर है, ठीक है, और मिक्स्ड भी है, ठीक है। कंट्रावेरिएंट आपके पास इसका एक इंडेक्स है और कोवेरिएंट इसका एक इंडेक्स है, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो होता है उसको भी फॉलो करेगा, क्लियर है। इसके बाद हम एक और बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स, ठीक है। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर, कोई भी आपके पास टेंसर गिवन हो वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा और एंटी सिमेट्रिक कब कहलाएगा। हमने अभी देखा कि आपके पास जो टेंसर्स होते हैं ए, उसके अंदर इंडिसेस लिखे होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये टेंसर आपके पास सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब हम ए और बी को आपस में इंटरचेंज करें, यानी कि ए को बी के साथ इंटरचेंज करें तो आपके पास जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ये ए और बी को मैंने इंटरचेंज किया यहां पे, ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ लिख देता हूं, ये मैंने बी ए कर दिया, यहां पर मेरे पास क्या था, ए और बी, ठीक है, मैंने इंटरचेंज किया है ए और बी को सी डी ई एफ जी एच। अब डेफिनेटली यहां पर ये सारे क्या हैं, फ्री इंडिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मैंने कितनी किस रैंक के अंदर लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रैंक का मैंने टेंसर लिखा है। इसका मतलब जो जो यहां पर अगर की 111 सारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो वाला कंपोनेंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन सब की कोई भी एक वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 1 2 3 4 5 तक के, वो वाले कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम ए और बी को इंटरचेंज करें और जवाब उसका कोई फर्क ना पड़े, बराबर आ जाए, तो फिर वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर मैंने ए और बी को इंटरचेंज किया, ये ऐसे था ए ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने इंटरचेंज किया और मेरे पास जवाब आ गया माइनस के साथ, ये बी ए किया, यानी कि ए और बी को मैंने इंटरचेंज किया, बाकी इंडिसेस वही रहे एफ जी एच विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो फिर क्या है, वो क्या कहलाएगा आपके पास, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अगर मैं दो इंडिसेस को चेंज करूं और रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक। अगर चेंज करें और नेगेटिव का साइन आ जाए तो वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक। ये मैंने कंट्रावेरिएंट के अंदर लिखा है। तो जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की बात है वो कंट्रावेरिएंट के भी कोई से दो इंडिसेस हो सकते हैं और कोवेरिएंट के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से कोई और टेंसर पकड़ता हूं, अब कम रैंक का पकड़ता हूं, मेरे पास एक टेंसर है ए आई जे के एल, ठीक है, मैं के और एल को आपस में इंटरचेंज करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, ए आई जे एल के, यानी कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ये किस किन इंडिसेस में है, कोवेरिएंट इंडिसेस के अंदर। अगर मेरे पास रिजल्ट के ऊपर के एल का माइनस साइन के साथ आ गया आई जे एल के, तो फिर वो क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक। सो अ टेंसर में भी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू कंट्रावेरिएंट
और कोवेरिएंट या वो कंट्रावेरिएंट के रिस्पेक्ट से होगा या वो कोवेरिएंट के रिस्पेक्ट से होगा, मिक्स में नहीं आपने जाना। आपने ये काम नहीं करना कि आई और के को आपने रिप्लेस कर दिया। डेफिनेशन में मैंने जो दो डेफिनेशन बताई है, पिछली वाली में मैंने कंट्रावेरिएंट मेंडिसेस को रिप्लेस किया था, इसमें मैंने कोवेरिएंट को किया है। सो अ टेंसर में भी सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू कंट्रावेरिएंट और का मतलब या वो कोवेरिएंट के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा अगर उसके इंडिसेस चेंज करने के ऊपर उसके साइन के अंदर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें वीडियोस को, और वीडियोस को जरूर देखें, अंडरस्टैंड करें टेंसर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। इंशाल्लाह आगे जाकर हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ भी मूव ऑन करेंगे एट द एंड, जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।